हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आरपीएससी एसओ प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और आपको जो भी प्रॉब्लम आए, जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो, उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं उसको दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ए नल हाइपोथेसिस इज, तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल का मतलब नेगेटिव। ये क्वेश्चन हम शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। नल का मतलब नहीं, यानी नेगेटिव, रिजेक्शन। तो नेगेशन हाइपोथेसिस यानी नकारात्मक परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस यानी शून्य अंतर की परिकल्पना। यहां पर जो भी आप ऑप्शन देख रहे हो, हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, रिजेक्शन, नो डिफरेंस और नेगेशन, तो ये तीनों के अंदर क्या आ रहा है? नकारात्मक जो भी है, हमें नकारात्मक देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर हमें जितनी भी है वो नेगेटिव हाइपोथेसिस की बात करी गई है। तो इसके अंदर देखिए, सभी ऑप्शन के अंदर नेगेटिव हाइपोथेसिस है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होती है? नलीफाई, रिजेक्शन, रिजेक्ट, नो डिफरेंस, जीरो डिफरेंस, ये सब नल हाइपोथेसिस ही होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस which is to be rejected, which is to be accepted, against which null hypothesis is tested. तो जो null hypothesis है वो किसी के against test की जाती है, तो वो क्या होती है? Alternative होती है। तो हम जैसे कि पढ़ते हैं तब हमारा क्या होता है? H not दिया होता है, H not कुछ दिया होता है, फिर हमने H not दिया है, theta बराबर something 5 दिया है, और फिर हम alternative दिए होते हैं कि जो versus लिख के। तो ये जो H1 होती है, जो H1 जिसके अगेंस्ट हम H0 को रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, जिसके बारे में हम H0 के बारे में जो भी टेस्ट करते हैं वो H1 से करते हैं, तो ये जो होती है वो क्या होती है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और ये कौन सी हाइपोथेसिस होती है? जो नल हाइपोथेसिस होती है। तो इसके अंदर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? जिसके अगेंस्ट हम नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। तो इसके अंदर ये जो होता है कि विच इज टू बी रिजेक्टेड, विच इज टू बी एक्सेप्टेड, ये दोनों चीजें नल हाइपोथेसिस के लिए होती हैं कि नल हाइपोथेसिस ही तो रिजेक्ट की जाती है और नल हाइपोथेसिस ही एक्सेप्ट की जाती है। तो इसके बारे में ये दोनों ऑप्शन इसलिए नहीं होंगे। और जो थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर क्या है कि नल हाइपोथेसिस जिसके अगेंस्ट टेस्ट की जाती है, यानी जिसके विरुद्ध जो शून्य परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है, वो क्या होती है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन ए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है? तो हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो जो हमारा, जो हमने पढ़े थे एरर, टाइप वन एरर और टाइप टू एरर, तो क्या हुआ कि हमें कोई ऐसा टेस्ट नहीं मिला जिसके अंदर कि हमारे जो दोनों एरर हैं, टाइप वन और टाइप टू है, वो शून्य हो जाए यानी जीरो हो। तो ऐसा कोई भी टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तब जो प्रोफेसर आर ए फिशर है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने बताया कि हम क्यों ना टाइप वन एरर को क्या है, एक छोटे से स्मॉल लेवल पे फिक्स कर लेते हैं, और टाइप टू एरर को है जितना हो सके कम करने की कोशिश करते हैं। तो जो टाइप वन एरर को उन्होंने जिस लेवल पे फिक्स करा था, वो लेवल क्या कहलाता है? हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। मतलब कि जब जो टाइप वन एरर होता है वो ज्यादा सीरियस होता है, और जो टाइप टू एरर है वो कम सीरियस होता है। तो हमने क्या करा कि टाइप वन एरर को एक ऐसे लेवल पे, यानी मान लो 0.5 या 5% पे फिक्स कर लिया कि इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता टाइप वन। तो जो फिक्स किया है हमने आर्बिट्री लेवल, या जो स्मॉलेस्ट लेवल है या सबसे छोटा लेवल, उसको क्या बोलते हैं हम? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। तो ये प्रोफेसर आर ए फिशर ने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बताया था। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली किससे रिलेटेड हो गया? टाइप वन एरर से। यानी टाइप वन एरर को जहां पर हम फिक्स कर देंगे वो क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसके अंदर भी देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू एंड फिक्स्ड एट आर्बिट्री लेवल। ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच When it is true, तो ये क्या है? ये basically type 1 error है।
इसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं, पीछे के बहुत सारे क्वेश्चन में हमने टाइप वन एरर और टाइप टू एरर पढ़ा था। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज ट्रू, तो ये अल्फा से डिनोट किया जाता है और एंड फिक्स एट आर्बिट्री लेवल, तो जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये एक बेसिकली हम पॉइंट जो 5% और 1% पे निकालते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को, तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट होता है, एक्सेप्टिंग एच नॉट कभी भी नहीं आएगा, एक्सेप्टिंग नहीं होता, या हमारा अनेबल टू रिजेक्ट हो सकता है बट एक्सेप्ट नहीं होता कभी भी, तो ये इसमें एरर है, तो ये भी नहीं होगा। और व्हेन इट इज फॉल्स, तो ये व्हेन इट इज फॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, फिर ये तो हमारा टाइप टू एरर हो जाएगा, तो हमारा ये नहीं है, और इसका फिर आर्बिट्री लेवल पे फिक्स करो चाहे मत करो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला हमारे एच वन, जो रिजेक्टिंग एच वन एक्सेप्टिंग एच वन के बारे में बात करी गई है, तो हमें जो है हमारी एच नॉट के बारे में बात करनी है, यानी जो टाइप वन एरर है वो एक लेवल पे फिक्स करेंगे, वही लेवल क्या होगा, हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द एरिया ऑफ क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स अपॉन, तो जैसे कि हमने जो हमारा जो है जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या कर लिया, हमने फिक्स कर लिया, ये हमारा अल्फा है कि हमने अल्फा फिक्स कर लिया। तो जो टाइप वन एरर होता है उसका क्या मतलब होता है कि जो अल्फा से जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो क्या होता है कि वो अल्फा या टाइप वन एरर के साइज पे डिपेंड करता है। मान लो कि हमने यहाँ 5% इधर फिक्स कर दिया कि इससे इस साइड क्या है 5% वैल्यूज है और इस साइड जो है 95%, तो जो इस साइड जो 5% वैल्यू आएंगी वो जब आएंगी तब हम उसको रिजेक्ट कर देंगे हमारी हाइपोथेसिस को, और वरना इस साइड आता है कोई भी पॉइंट तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो ये वाला पॉइंट है वो क्या कहलाता है, हमारा क्रिटिकल रीजन कहलाता है, इस रीजन को हम क्रिटिकल रीजन कहते हैं। तो इसमें जब भी कोई सैंपल पॉइंट आएगा तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा बेसिकली ये रीजन कहाँ से आया है, हमने अल्फा है, अल्फा फिक्स किया है किसी लेवल पे जिसको हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा, और हमने जो पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है, टाइप वन एरर से रिलेटेड है, यानी टाइप वन एरर का साइज है जिस साइज पे हम फिक्स कर रहे हैं। तो हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा साइज ऑफ टाइप वन एरर। और अगर हम इसको 5% पे ना करके हम 10% पे कर दें, 1% पे कर दें, तो बेसिकली हुआ क्या, हमारा जो जो क्रिटिकल रीजन है वो छोटा बड़ा किसके कारण हो रहा है, अल्फा के कारण, और अल्फा क्या है, हमारा टाइप वन एरर का साइज है। तो ये हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो हमने अभी बात करी जो क्रिटिकल रीजन होता है, जो क्रिटिकल रीजन होता है उसके अंदर अगर पॉइंट इस साइड आ जाता है, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है मान लो, तो अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट गिरता है सैंपल पॉइंट, तो हम क्या कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। तो हमें क्या करता है, ये रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस का बेस प्रदान करता है, मतलब इसके आधार पे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर कोई पॉइंट जो क्रिटिकल रीजन में आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमें क्रिटिकल रीजन क्या प्रोवाइड करता है, शून्य परिकल्पना को जो अस्वीकार करने का आधार प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड, तो हमने टाइप वन एरर और टाइप टू एरर अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कोई चीज सच है और हम फिर भी उसको रिजेक्ट कर दें, यानी आप बीमार हो और फिर भी आपको रिजेक्ट कर दिया गया कि आप बीमार नहीं हो, तो क्या हो गया, ये टाइप वन एरर हो गया। और टाइप टू एरर क्या हो गया, यानी एच नॉट इज ट्रू, जब हाइपोथेसिस ट्रू होती है और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया फिर भी, तो वो क्या गया, टाइप वन एरर। और अगर हाइपोथेसिस है वो गलत है और हमने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या गया, टाइप टू एरर। तो ये हमने अच्छे से डिटेल से पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज नॉन एज, तो ये भी हमने पढ़ा अभी पीछे ही। तो टाइप टू एरर क्या होता है, जब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें, कब, जब नल हाइपोथेसिस गलत हो फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो कौन सा होता है, टाइप टू एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस थीटा इज इक्वल टू 70 और अगेंस्ट थीटा ग्रेटर देन 70, तो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो कैसा होगा,
जो लेफ्ट वन टेल होगा, राइट वन टेल होगा, टू टेल होगा, नथिंग टू कैन बी सेड। तो क्या है कि जब यहां पर हमारा जो हमने क्या माना कि हमारा जो ये लेफ्ट टेल होगा राइट टेल होगा, उसको देखने का एक तरीका होता है कि अगर जो छोटा है जो वैल्यू हमें दी गई है थीटा, उससे अगर कोई अल्टरनेट वाली जो दी हुई है उसमें अगर छोटी आ रही है वैल्यू तो वो लेफ्ट टेल हो जाएगा, और अगर उससे बड़ी यानी जब थीटा ग्रेटर देन 70 की बात कर रहा है तब क्या हो जाएगा हमारा जो राइट टेल हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, हमारा जो थीटा है वो ग्रेटर देन 70 दिया गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट वन टेल हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉर ए गिवन कंटीजेंसी टेबल, ये हमें एक टेबल दी गई है काई स्क्वायर के लिए, तो इसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स इज, तो ये फॉर्मूला पूछा गया कि एट्रीब्यूट्स को जो इंडिपेंडेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना ही कोई इसका ट्रिक है, ये सीधा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा कि टू एट्रीब्यूट्स के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि एन ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर बटे में आर वन आर टू सी वन सी टू, ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है एट्रीब्यूट्स के लिए, टू एट्रीब्यूट्स यानी जो गुणों के स्वतंत्र परीक्षण के लिए कौन सा काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा, ये रहा। तो बस आज के लिए इतना ही, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।